माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबल साहेब, माननीय सुनील तटकरे जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय दिलीप वरसे पाटील आणि बाकीचे सर्व मान्यवर मंत्री महोदय आणि आमचे झिरवळ साहेब सगळे आज इथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरला आम्ही वेळ न मागता आम्हाला समजलं की आदरणीय पवार साहेब इथे चव्हाण सेंटरला कुठल्या मीटिंगच्या निमित्त आलेले आहे आणि म्हणून संधी साधून आम्ही सगळे इथे आज आलो आदरणीय पवार साहेबांच्या सर्वांनी नमस्कार पाय पडून आम्ही आशीर्वाद मागितले सोबत आम्ही सगळ्यांनी साहेबांना विनंती पण केली की आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यासाठी आदर तो आहेतच पण पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक संघ कसा राहू शकतो त्याच्यासाठी पण त्यांनी योग्य विचार करावा आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा ते करावं अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे. आदरणीय पवार साहेबांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शांतपणे आमच्या सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहो. उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशन पण सुरू होत आहे. सर्व मंत्री अजितदादाच्या नेतृत्वामध्ये उद्यापासून आपापल्या विभागाची जबाबदारी विधानसभेमध्ये सुद्धा पार पाडते. एक मिनिट. आज हम सब लोग, हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहां पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबळ जी, माननीय दिलीप वरसे पाटील, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवळ साहब सभी आज यहां पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं ऐसा हमको मालूमात मिली. तो हम श्री अजित पवार साहब के बंगले पर बैठे थे तो जैसे ही हमें समझा कि यहां पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहां पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहां पहुंचे. आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें. आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं. बस इससे ज्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई, आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले. कहना चाहेंगे, मैंने जो भी मुझे कहना था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां सब कुछ कह दी. चालू है, बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चालू है, बहुत लोगों को उसका फायदा हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है, लाभ मिलना ही चाहिए, उसमें पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए. नहीं, आप नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं कहा, मैंने बताया कि आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं. सर आप कल रात कुछ में गए थे तो आपको कोई एतराज है?
नहीं सर, नहीं आपकी जो मुलाकात हुई तो मेरे हमारे फैमिली में मिलने के लिए मुझे तो जाने का पूरा अधिकार है। हमारी आंटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, बाद में वो घर पे आई, मिलने के लिए गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।